जी, आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं आमने सामने की न्यूज़ में। मैं यश तिवारी, केवी न्यूज़ इंडिया से आपके साथ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी, सर, ये बताइए, प्रधानता क्या होती है? प्रधानता ये होती है कि हम जैसे प्रधान बनाए गए हैं तो ये लगे गांव वालों को कि हमारे गांव में कोई व्यक्ति प्रधान बना है और किस हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए, कि हमारी कार्यशैली बहुत ही अलग होनी चाहिए, कि हर आदमी ये कहे कि वाकई में हमारे गांव में कोई प्रधान बना है। इसलिए हम मतलब प्रधान बनाया गया। प्रधान जी, दूसरा प्रश्न आपसे, प्रधान की वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता ये होती है कि हम समाज में कभी ऊंच नीच का व्यवहार ना करें, हर व्यक्ति को अपने बच्चों के समान समझें। ये वास्तविकता प्रधान जी होनी चाहिए। प्रधान जी, एक आपसे अगला प्रश्न, जी ग्राम के सर्वांगीण विकास के कुछ पहलू आप हमें बताइए, जिससे हमारे अन्य प्रधान साथी इस चीज को देखकर कुछ आपसे सीखें। मतलब विकास तो ऐसे हिसाब से होना चाहिए, करना भी चाहिए हम लोगों को, हर प्रधानों को, कि पूरे गांव में जो गांव के लोग ये समझें कि वाकई में हमारे गांव में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। जैसे मान के चलिए जी, पूरा गांव में आसपास नहीं रहना चाहिए, और गांव की सारी सफाइयाँ विकास में जो मान के चलिए केवल कृषि पर आधार नहीं होना चाहिए। गांव में जब रोड वगैरह जो हैं गांव के विकास के लिए रास्ता जो रुकी रहती हैं, वो आदमी को बहुत अच्छी तरह से हर जगह हर आदमी को रास्ता मतलब परेशानी या दिक्कत ना हो। प्रधान जी, समाज कल्याण के लिए आपके क्या विचार हैं? समाज के लिए ऐसा है, हमारे अंदर कोई ऐसी भाव नहीं होना चाहिए कि हम किसी को ऊंच नीच का व्यवहार कभी समझें। सब लोगों को ये देखें कि ये हमारे बच्चे के समान सारी जनता प्रधान के लिए होना चाहिए, कि वाकई में हम पूरे गांव को अपने माता पिता बड़ों को के हिसाब से देखें, भाइयों को बराबर वालों को भाई की तरह देखें, जो हमसे छोटे हैं उनको अपने बच्चों की तरह सबको एक समानता में देखना चाहिए। हर प्रधान के लिए मैं यही निवेदन करता हूँ और हर के लिए यही कहता हूँ कि भाई सब लोग इस दृष्टि से सबको देखें। प्रधान जी, अब तक के आपके विकास कार्य में कौन कौन सी चीजें आपने समाज कल्याण के लिए, ग्रामों के विकास के लिए कर रखी हैं? विकास में तो जैसे जो आता है हमारी जो रास्ताएं वगैरह आती हैं, और ये मान के चलिए स्कूलों में जो कार्य हुआ है और सब ये हमारे लिए हुआ है, जैसे न्याय पंचायत में जी बॉक्स वगैरह ये सब, उसमें जी पूरी सारी चीज़ें करवाना चाहिए, कर रहे हैं, और आगे जो कार्य आएगा उसको करने में पूर्णतः अपनी हर प्रयास यही ताकत रहती है, जितना अच्छा कर सके करना है। एक सबसे अहम सवाल आपके लिए, कि सबसे आप जानते हैं हमारे युवा हमारे भारत की जड़ होती है, तो युवाओं की सबसे बड़ी जड़ की क्या होती है कि उनको खाद पानी देना, तो हमारे यहाँ शिक्षा होती है, तो शिक्षा के लिए आपके क्या विचार हैं? शिक्षा तो देखो, गरीब हो चाहे अमीर हो, हम तो ये चाहते हैं वो गांव में यही आशा करते हैं बच्चों से कि जो व्यक्ति या कोई गरीब आदमी नहीं पढ़ाने के योग्य, तो मैं उनसे सारे गांव में कहता हूँ कि भाई जो मदद नहीं कर पा रहा हो बच्चों की, आप मेरे से बताइए, जितनी मेरे से हेल्प होगी मैं हर तरह से, और हर व्यक्ति माँ बाप को ये होना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे आगे भविष्य में सबसे मतलब जो नया युवक है ये जब तक आगे नहीं आएगा, हम पुराने लोग उस पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और यही हमें हर व्यक्ति को करना चाहिए अपने बुजुर्गों को। अरे प्रधान जी, जातिवाद के बारे में जो हमारे गांव की सबसे बुरी कुरीतियां चलती हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो अफवाह, पुरानी कुरीतियाँ जो चल रही हैं, आज हम लोगों को ये सोचना चाहिए और करना चाहिए हर व्यक्ति को कि इस जातिवाद को टोटल खत्म करके सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, और देखने का हर आदमी के अंदर यही दायित्व है। चलिए, और प्रधान जी, आप अभी समाज के कल्याण या ग्राम विकास के लिए कोई नए पहलू अपने मन रखते हो, जो नए विचार रखते हो, आप बेशक हमसे बता सकते हैं। नए विचार के लिए तो हमने ये है कि मतलब हम सोच रहे हैं कि जैसे हमारे गांव में शिक्षा मतलब जूनियर हाई स्कूल तक है, हमने कहा भी था वहाँ कि मतलब जब हो सके हमारे यहाँ मतलब इंटर तक स्कूल कॉलेज दिया जाए, और हमारे गांव की बस्ती आसपास के जो भी बच्चे हों जी जैसे नज़दीक में हैं, सारे बच्चे आगे भविष्य में पढ़ के मतलब शिक्षा ग्रहण कर सकें और सब बच्चे बहुत अच्छे बन सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय ग्राम प्रधान जी ने अपने सर्वांगीण विकास, ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिए और अपने जनता के लिए जो भी बात कही है, बहुत ही सराहनीय है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं यश तिवारी, केवी न्यूज इंडिया।